अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन अलोन रेसर से। तो गाइस, आज के रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 40 का नाइट वन का जो मेन इवेंट हुआ है, ये तो किसी ने भी सोचा नहीं हुआ होगा कि इस तरह का भी मेन इवेंट हो सकता है। यानी कि WWE का हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कमाल का मेन इवेंट हुआ है और ये मैच तकरीबन चला है 45 मिनट तक। और जो लोग ये सोच रहे थे कि द रॉक इस एज में यानी कि मैच रेसल नहीं कर सकते, तो ये उनको काफ़ी ज़्यादा देखकर काफ़ी ज़्यादा धचका सा लगा होगा द रॉक को इस तरह से मैच रेसल करते हुए, क्योंकि द रॉक ने वो कर दिखाया है जो कोई भी सुपरस्टार करके नहीं दिखा सकता। द रॉक ने इस एज में इतना कमाल का मैच डिलीवर किया है, WWE फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं लोग द रॉक की कि द रॉक ने कितने ज़्यादा कमाल का मैच ये डिलीवर किया है। और इस मैच को यकीनन 5 स्टार तो लाजमी मिले होंगे। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मैच के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये मैच स्टार्ट होता है धमाकेदार इंट्रेस से, यानी कि सबसे पहले कोडी रोड्स इंट्रेस करते हैं, उसके बाद सेथ रोलिन आते हैं और उसके बाद द रॉक आते हैं। द रॉक का जो इंट्रेस था वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़्यादा हमें बेस्ट लुक भी आ रहा था। और उसके बाद एंड में ट्रेवर जीप आते हैं और ये मैच स्टार्ट होता है और ये चारों सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा कमाल के फाइट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत से मोमेंट आते हैं जहाँ पर ये लगता है कि अब कोडी रोड्स और सेथ रोलिन हारने वाले हैं। और बहुत से मोमेंट ये भी आते हैं कि जहाँ पर लगता है कि द रॉक और रोमन रेंस हारने वाले हैं, लेकिन कोई भी नहीं हारता क्योंकि ये मैच इतना बड़ा हो गया था, हमें लग ही नहीं रहा था कि ये मैच ख़त्म भी हो गया या नहीं। इस मैच में सब कुछ कमाल का था सिवाय एक चीज़ के, WWE क्राउड्स बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं थे, यानी कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कुछ पॉप नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमें ये फील हो कि हम रेसलमेनिया का मेन इवेंट देख रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम रेसलमेनिया का मेन इवेंट देख रहे हैं। इस क्राउड की वजह से यानी कि जो दूसरी कंट्री से लोग देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं कि इस तरह की भी क्राउड हो सकती है। ये रेसलमेनिया है WWE का सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट और इस रेसलमेनिया में इस तरह की क्राउड कैसे हो सकती है, समझ से बाहर है। तो गाइस, इस मैच में हमें शॉकिंग मोमेंट एक ये देखने को मिलता है जहाँ पर रोमन रेंस यानी कि गलती से स्पेयर मार देते हैं द रॉक को, और द रॉक का जो रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा फनी था। द रॉक यानी कि काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मुंह खोल रहे थे कि इतना बुरा स्पेयर मार दिया रोमन रेंस ने, लेकिन रोमन रेंस इससे रिकवर होते हैं, यानी कि इसी का फ़ायदा उठाकर कोडी रोड्स और सेथ रोलिन पिन करते हैं द रॉक को रोमन रेंस को एक साथ, लेकिन दोनों यानी कि किक आउट कर देते हैं। और इसके बाद हमें द रॉक और रोमन रेंस भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स और सेथ रोलिन पर। और एंड में जब रोमन रेंस और कोडी रोड्स रिंग में होते हैं तो जो द रॉक होते हैं, द रॉक ने उन बेल्ट का इस्तेमाल करके कोडी रोड्स की कमर पर मारते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस स्पेयर मारते हैं, उसके बाद टैग देते हैं द रॉक को और द रॉक अपना बॉटम वाला मूव लगाते हैं और उसके बाद द रॉक पिन करते हैं कोडी रोड्स को और 1 2 3 और कोडी रोड्स पिन हो जाते हैं और इसी के साथ द रॉक और रोमन रेंस को इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है। तो गाइस, आप लोगों को आज का मैच कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना।